गड़ीसर लेक में जाने से पहले आपको एक गेटवे पास करना होगा जिसे टीलो की पोल कहते हैं, जो कि जैसलमेर में एक मशहूर अट्रैक्शन है। ये जैसलमेर की येलो सैंडस्टोन से बनाया गया दो मंजिला इमारत है। इसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ एक और है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं। गड़ीसर लेक बेसिकली एक मैन मेड लेक है जिसका निर्माण यहाँ के सबसे पहले महाराज राजा रावल जैसल ने किया था, जो कि मंदिर और घाट से घिरा हुआ है। यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम है या तो आप सनराइज के वक्त या सनसेट के वक्त आइए और अपना समय यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, या तो आप शाम को बोट राइड के लिए जा सकते हैं। तो लेक तो हो गया, थके हो बस पूरा दिन घर पे घूमा है, शाम के यहाँ पे आ जाओ, इवनिंग स्पेंड करो और रिलैक्स करो। यहाँ पे हवा इतनी मस्त चलती है, ठंडक मिलती है, इवनिंग अच्छी हो ही जानी है। अभी तो मेरा यहाँ से हो गया है, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा व्यास छतरी, वहाँ जाके देखते हैं। अगर एंट्री फीस हुआ तो मैं अंदर ही जाऊँगा, अगर एंट्री फीस नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरा जैकपॉट है। मैं पहुंच गया हूँ व्यास छतरी। व्यास छतरी बेसिकली एक तरीके से पूछते हो कि ना एक होली प्लेस भी पूछते हो यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि जब मैंने बताया था कि मेरे जो लास्ट मयंक है, लास्ट वीडियो में जब हम गए थे डेजर्ट सफारी के लिए, तो मयंक से मेरी बात हुई थी, उसने बताया कि जो छतरी होती है बेसिकली क्या है, जो भी यहाँ के जो महाराजा थे महाराणा थे, ठीक है, तो उन जब उनके निधन होता है तो उसके ही याद में यहाँ पे एक छतरी बनाते हैं। तो उसमें अभी ऐसा भी होता है कि अभी जो लास्ट महाराजा थे जिनका अभी डेथ हुआ, नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने इतना डिटेल में कुछ देखा नहीं तो नाम मुझे पता नहीं है, बट इतना है कि जो लास्ट जो महाराजा जिनका निधन हुआ उनके जो बेटे अभी महाराजा बने, उनका राजलेख हो गया है, बट उनके फादर का अब तक छतरी यहाँ बना नहीं है। कहते हैं कि जब तक ना उनकी उनके बेटे की शादी या तो उनके पोते नहीं होते तब तो छतरी बन नहीं सकती, क्योंकि जो अभी के जो राजा हैं यहाँ के वो भी कुंवारे ही है, जब उनकी शादी होगी या बच्चे होंगे तब उसके बाद उनके पिताजी की जो यहाँ पे छतरी बनेगी, और ये सब पे उनकी याद के लिए होता है। और कहते हैं कि इतना होली है कि यहाँ के लोग यहाँ पे आके ना पूजा करते हैं, कभी भी उन्हें अपने जीवन में कुछ नया चीज़ करना है, शादी को लेके, घर प्रवेश, जो कुछ भी नया चीज़ उनके लाइफ में कुछ होता है वो यहाँ पे आके ना अपना पूजा करते हैं, और उसको उनको बहुत बड़ा मानते हैं ये चीज़ को यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखा सकूँ ना तो एक मिनट में दिखाता हूँ, अगर आप समझ पाओगे। जैसे कि ऊपर एक टोम बन गया, एक छतरी है। अब ये जो यहाँ पे जो ब्रिक लगे हुए हैं ना, ये इन पे उनका नाम लिखा हुआ है हर एक बंदे का, वो नाम के ऊपर की छतरी बनी है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अगर दिख रहे हो ये वाला, तो देखो ये छतरी बनी है ऊपर, यहाँ पे छतरी बनी है, और ये इनका नामकरण का एक पत्थर यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है, तो ये इनकी छतरी हो गई है। और ये जगह को बहुत ज्यादा, अब देखो कितने सारे हैं, कितने सारे हैं, मैं को दिखाता हूँ। तो
यहाँ पे खाना आया था, खाना हो गया 100 रुपये का थाली अनलिमिटेड, 2 सब्जी देते हैं और मतलब एक बेसिकली सब्जी होता है, एक करी होता है और एक कड़ी होता है और एक दाल होता है। तो भरपेट खाना खा लिया हूँ मस्त, अब जा रहा हूँ हॉस्टल आराम से, थोड़ा आराम करता हूँ फिर निकलता हूँ रात को। ये इधर का नाइट मार्केट है हल्का सा, कल तूफान आने की वजह से आज मार्केट थोड़ा सा बंद है, ऑलमोस्ट 50% बंद है, थोड़े बहुत चालू है ये रेस्टोरेंट में। कल बहुत भयंकर तूफान था भाई, बहुत लोगों का नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इतने सारे रेस्टोरेंट तो बंद पड़े हुए थे। अभी सोचा एक जूस पीता हूँ, जूस पीने के बाद घर पे भाई नहीं कोरोना नहीं हुआ, वो सो ठंडा पानी पिया ना इससे खराश हो गई है, और गर्मी ठंडी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। और जैसलमेर आ रहे घूमने के लिए तो देखना कि आप कैश रखो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड सिस्टम नहीं है, कार्ड लोग रखते ही नहीं है, या तो कैश या तो गूगल पे फ़ोन पे, दो में से कोई भी एक ऑप्शन यूज़ कर सकते। जैसलमेर तो ऐसा है, बाकी राजस्थान में और कितना है पता नहीं, अब मैं जाऊँगा जोधपुर तो समझ में आएगा, अगर जोधपुर में भी यही सीन है, मतलब ऑल ओवर राजस्थान में यही सीन है। रात का नज़ारा है भाई लोग तो मैं स्टेशन आ चुका हूँ, मैं अब उसमें से चेकआउट करके मैं आ गया हूँ, रात रात के कुछ 12:15 बज रहे हैं, और आप देख रहे हो कितना तूफान चालू हो गया यहाँ पे। तो मैं एक्चुअली इसके सोच के वजह से मैं जल्दी निकला हूँ ताकि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है और तूफान यहाँ पे कभी भी आ सकता है, तो अगर आप जैसलमेर आ रहे हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, कभी भी ना यहाँ पे स्टैंड स्टॉर्म तूफान के ना आज होते ही हैं चलने वलने के। तो अभी मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ, भाई मुझे यहाँ पे करीब 3 घंटे वेट कर रहे हैं, सुबह 3 बजे की मेरी ट्रेन है जो मुझे जोधपुर छोड़ेगी 8 बजे। तो ये स्टेशन है जैसलमेर का, काफ़ी जल्दी आ गया यहाँ पे, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ खाने पीने के लिए, लाइट है चार्ज कर लेता फ़ोन, अब ट्रेन में बैठने के बाद आपसे बात करता हूँ। तो मैं अभी सो जाऊंगा कुछ देर, 3 बजे टाइमिंग है ट्रेन की, उसके बाद सीधा जोधपुर मिलते हैं।